मस्त है यार। भाड़ा? हाँ। अरे मेरे दोस्त ये भाड़ा मांग रहा है। हाँ अमर मेरे दोस्त, इसे भाड़ा देना पड़ेगा। ओ बेरोजगार हो, इसके बिना तीन हिस्से होंगे, चलो निकालो। रखा इस बैग में, इससे भारी बैग दुनिया में नहीं हो सकता भाई। अमर इसमें मेरे जिम का सामान है। थैंक्स यार, तू ये उठा रहा है। थैंक यू यार। अच्छा और तुमने इसका सामान फेंक दिया ताकि तुम मेरा सामान उठा सको। चलो उठाओ। ओ मैडम, अपना अपना सामान ना खुद उठाओ, यहाँ पे हम सब नहीं उठ रहा। बंटी बोलो। अरे यार सुनो, सुनो। आ रहा हूँ यार। नहीं यारो हूँ। हाँ जो भी है, जो भी नहीं है यारो है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये अग्रवाल साहब इसी फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं? हाँ अग्रवाल जी रहते हैं, बीना जी रहती हैं और उनके साथ यारो भी रहता है। और आप लोग? हम लोग उनके नए किराएदार हैं। मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा नाम यारो है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। बहुत मजा आएगा, हम लोग दोस्ती करेंगे, खेलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स। हाउ क्यूट। क्यूट नहीं यारो हूँ। वैसे हाँ हाँ करेंगे करेंगे, तुमसे दोस्ती करेंगे, मगर दोस्ती का पहला उसूल होता है दोस्तों की मदद करना। हाँ तो तुम एक काम करो, मेरा सामान उठाओ और अंदर ले चलो। मतलब अगर यारो तुम तीनों का सामान एक साथ उठा के अंदर ले जाएगा तो तुम तीनों दोस्त बन जाओगे? मतलब हम तीनों का सामान तुम अकेले उठाओगे? मेरे जिम का सामान उठाने में ही सो जाओगे बच्चू? यारो कभी सोता नहीं है, अभी दिखाता हूं। अभी चलें। यारों के यार हैं ये तीनों। यारो? पापा मुझे भी नहीं पता यारों के यार हैं फ्रेंड्स। बन जाएंगे तुम्हारे भी दोस्त बन जाएंगे। अग्रवाल साहब मेरा कहना ये था कि ये तीनों बचपन के एकदम पक्के दोस्त हैं। अच्छा, इनके दोस्ती के किस्से सुन के तो मेरी भी आंख से आंसू आ गए। बताइए अग्रवाल साहब, नौकरी शिल्पी को लगी सिर्फ उसको साथ देने, ये दोनों उसके साथ रहने आ गए। ये तो वाकई बहुत अच्छे दोस्त हैं। भाई आज के जमाने में ऐसी अच्छी दोस्ती देखने के लिए मिलती कहाँ है? हमेशा ऐसे ही अच्छे दोस्त बन के रहना है, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक। अरे ये सब कुछ तो ठीक है प्रोफेसर साहब, लेकिन जब चतुर्वेदी जी उनको ये पता चलेगा ये तीनों रह रहे के साथ रह रहे हैं तो फिर? अरे बीना जी आप उनकी चिंता मत कीजिए। बीना जी चतुर्वेदी की चिंता मत करो, उसको मैं संभाल लूंगा। पर ये इतने अच्छे दोस्त हैं, मैं इनको रहने के लिए मना कैसे कर सकता हूँ? यारो बेटा सामान उठाओ और लेके जाओ फ्लैट में, दिखाओ इनको फ्लैट दिखाओ। ओके पापा। So amazing. हाँ यार क्या घर है यार? Awesome. कितना अच्छा है। यारों ने साफ किया। Very good. अब एक काम करो, ये सामान ना बेडरूम में रख दो, क्योंकि बेडरूम तो मैं लूंगी। ओ रुको, क्यों बेडरूम तुम क्यों लोगी? मैं लूंगा बेडरूम। बेडरूम मैं ले चुका हूँ। बेडरूम मैं लूंगा। बेडरूम मैं लूंगा। बेडरूम मैं वैसे यारो एक बात बताओ, तुम्हें ताकत बहुत है, खाते क्या हो तुम?
कुछ नहीं। कुछ नहीं यारो, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। अच्छा देखो मत, बिना खाए पिए कोई इतना भारी सामान नहीं उठा सकता। सच? यारो कभी झूठ नहीं बोलता। देखो मैं इतना जिम करता हूँ फिर भी इतना सामान अकेले नहीं उठा सकता, और तुम बिना खाए पिए कम फेंका करो। अच्छी बताओ, कोई गोली वोली खाते हो क्या? है? पाउडर वाउडर कैप्सूल? कुछ नहीं। कुछ नहीं खाते हो? अरे तो भाई जीते कैसे हो? चार्जिंग से। चार्जिंग से? हाँ, जब लंच टाइम होता है मम्मी ट्रे में चार्जर लेकर आती है, कहती है यारो चार्ज हो जाओ, यारो चार्ज हो जाता है। सच सच यारो झूठ नहीं बोलता कभी, यारो में बहुत ताकत है। ये सामान तो क्या यारो, तो तुमको भी उठा ले। अच्छा, मुझे भी उठा के दिखाओ। सच में? हाँ उठा ना। मजाक नहीं कर रहा यारो? हम ही मजाक नहीं कर रहे, उठा। अच्छा मम्मी। ये देखिए हम आपके लिए वो ले आए हैं। अरे पूछिए ना क्या ले आए। अरे क्या ले आई हो? अरे यार ये चंपी करने के लिए तेल लेकर आए हैं और क्या है। चलिए चलिए आपकी चंपी कर देते हैं। बहुत सच रहा था। चतुर्वेदी जी इससे पहले तो अरे तुम बैठो बैठो बैठो। हाँ अब बताओ। इससे पहले तो आपका सर कभी नहीं चकराया। अरे गोगी, अरे बात ये है ना, वो जो अग्रवाल साहब का लड़का यारो है ना, अरे उसकी वजह से ये सब थो हुई है। जीजू उसकी इतनी हिम्मत, मैंने जाकर उसको धमकाया था कि आज के बाद मेरे जीजू को परेशान नहीं करना, उसके बाद में किसने आपको परेशान किया? अजीब है ये लड़का। खैर जीजू ये लीजिए नींबू पानी पीजिए, क्योंकि कभी कभी नींबू पानी पीकर भी चक्कर भगाए जाते हैं, और नींबू पानी पीकर चक्कर भगाने वाले को चतुर्वेदी जी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्वेदी कहते हैं। चतुर्वेदी जी? हाँ बिटिया, चतुर्वेदी जी कहते हैं। करेक्ट। चुस्की मारिए। चतुर्वेदी जी मैं क्या सोच रही थी? इधर से सोचो। अरे हाँ बताओ। पूछिए ना क्या सोच रही थी। अरे हाँ भाई क्या सोच रही थी? यही कि अग्रवाल साहब का जो बेटा है यारो, क्यों ना उसके साथ हमारी डॉली की चलाई जाए। अरे पूछिए ना क्या चलाई जाए। अरे क्या चलाई जाए? अरे रिश्ते की बात। देखिए एक बार अगर रिश्ता हो गया तो वो आपको परेशान करना भी छोड़ देगा। अरे तुम पगला गई हो क्या? और तुमको जरा सी भी ठो नहीं है। अरे वो जो लड़का है ना वो कुछ और ही है। अरे वो नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि। अरे चुप करिए आप। इधर आओ। हाँ बताओ। मैं डॉली के लिए जो भी रिश्ता देखती हूँ सब में आपको वो नजर आ जाता है। पूछिए ना क्या नजर आ जाता है। अरे क्या नजर आ जाता है? अरे खोट नजर आ जाता है, और क्या नजर आ जाता है। ठीक है गोगी, अरे तुम हमारी बात को ठो मत करो, लेकिन एक ना एक दिन हम ये साबित करके रहेंगे कि उस यारो में कुछ तो गड़बड़ है। हाँ अरे भाई, अरे चंपी तो करती जाओ, इस यारो के चक्कर में जो है ना खुद ही करना पड़ रहा है। भाई प्रेम, वैसे उस अकेले बंद ने इतना सारा सामान अकेले उठा कैसे लिया? और तुझसे तो मेरे जिम का एक बैग भी नहीं उठाया गया। यार तू मुझे उससे कंपेयर मत कर। नहीं नहीं मैं सोच रहा हूँ तू कितना हल्का होगा, यारो ने तुझे एक हाथ से उठा लिया। भाई मत याद दिलाना, अभी तक सर घूम रहा है मेरा। पता लगना पड़ेगा ये यारो की ताकत का राज क्या है। हाँ भाई। ओ भाई तू घबराओ ना कोस, मैं ठीक। आई एक मिनट होल्ड कर। ओह बेरोजगारों, बैठे बैठे बातें ही बनाते रहोगे या लिस्ट भी बनाओगे? किचन का सारा सामान लाना है, और हाँ झाड़ू पोछा बर्तन धोने का साबुन ये सब लिखना ना मत भूलना, क्योंकि ये सब काम तुम दोनों को ही है, है ना? हो आई? अरे मेरे दोस्त, उसने तेरी इतनी इंसल्ट करी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। क्यों प्रेम बोल प्रेम? हाँ अमर बोल रहा हूँ अमर, देख मुझे भी बहुत बुरा लगा। कितनी इंसल्ट की उसने तेरी। यार तू फिक्र मत कर, होता है ऐसे। लिस्ट बना, मैं जिम करके आता हूँ। प्रेम प्रेम भाई
बेटा अमर, इंसल्ट का बदला तो लेना होगा, मगर घर के सामान की लिस्ट कैसे बनाऊं मुझे तो कुछ पता ही नहीं। यारो आ गया। अरे यारो, ये तुम्हारे साथ कौन आया पीछे? छुपन छुपाई खेल रहे हो? टप्पा तुम यहाँ? पापा ने कहा फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए, तो मुझे लगा कि मैं कोई हेल्प कर देता हूँ। जो समय के वक्त काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। पापा ने कहा फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही रहना चाहिए। बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूं? तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। घर के सामान की लिस्ट तुम नहीं बना पाओगे। यारो कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, तो फिर घर के सारे सामान की लिस्ट बना के दिखाओ। पक्का? कैसे पता कि नोटपैड वहां पड़ा है? मोंटी के बच्चे कद्दू, देख तेरी पतंग कैसे काटती हूँ। मैं बनूंगी इसकी रजिया और ये मेरा सुल्तान। कमाल है, कैसी लड़की है, ऐसे घूर घूर के देख रही थी जैसे कभी पहले हैंडसम लड़का ही ना देखा। वैसे मेरे जैसा हैंडसम लड़का होता भी कहाँ है। तू क्या कर रहा है? अरे प्रेम मेरे भाई, ये देख घर के पूरे सामान के लिए तैयार है। तूने बनाई? हाँ भाई, वो भी 3 सेकंड में है। हाँ रख दिया। शिल्पी क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, वो चार्जर, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है और मॉम से बहुत अर्जेंट बात करनी है, पता नहीं चार्जर कहाँ रख दी है। छुपाया ना मेरा चार्जर? तुम दोनों को अगर ये लग रहा है कि ये सब करके तो मुझे परेशान कर सकते हो तो तुम दोनों गलत हो, क्योंकि मेरे फोन हंड्रेड % चार्ज्ड है, फुल चार्ज।
फोन। आप फ्रेंडशिप कर लो, आप कर लो, आप यारों ने हेल्प की, आप फ्रेंडशिप कर लो। बीना जी, सॉरी 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 सॉरी, अरे सॉरी सॉरी, जी जी जी, कहिए कहिए। बीना जी आ गई गोगी जी, अब आई है तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगी। बीना जी आइए आइए गोगी जी। अरे वो क्या है, शाम का वक्त है और मौसम एकदम वो वाला है। अरे पूछिए ना जी क्या वाला है। क्या वाला है? बरसात वाला है। तो चतुर्वेदी जी को पकोड़े खाने थे, अब हम क्या किचन में, हम क्या देखते हैं? अरे पूछिए ना क्या देखते हैं। क्या देखते हैं? अरे हम देखते हैं कि वो तो खत्म हो गया। अरे पूछिए ना जी क्या तो खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? अरे बेसन। तो हमने सोचा इसमें घबराने की कौन सी बात है, आप तो है ही, आपके यहाँ जाके बेसन ले आएंगे। ठीक है गोगी जी, लेकिन क्या है ना कि हमारे घर में हो के बेसन खत्म हो गया है। अरे ये भी कोई बात हुई, जब बेसन खत्म हो गया था तो आपको मंगवाना चाहिए था ना। अभी कहीं और से वो करना पड़ेगा। अरे पूछिए ना क्या करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे बेसन का इंतजाम करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा। अब किसके घर पे जाए, सिंह जी तो बेसन खाते नहीं है, क्या अजीब इंसान है, बेसन ही नहीं खाते। और पटेल जी वो तो है ही नहीं, अभी उनको बाहर जाना था। वैसे हाँ दे रहे ना प्रेम मेरे दोस्त, ऑटो वाले को पैसे देने। शिल्पी ओ बेरोजगारो, ऑटो के किराए के भी तीन हिस्से होंगे, चलो निकालो। अग्रवाल साहब के नए वो हो? अरे पूछो ना क्या नए वो है? है? अरे किरायेदार और क्या? अच्छा मैं हूँ गोगी, चतुर्वेदी जी की पत्नी। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम लोग किचन का सामान लाए हो ना? हाँ। तब तो वो जरूर लेके आए होगे। अरे पूछो ना क्या जरूर लेके आए होगे? क्या जरूर लाए होंगे? अरे बेसन और क्या? वो मुझे ना चतुर्वेदी जी के लिए पकोड़े बनाने थे तो थोड़ा बेसन मिल जाता। तो लाए तो है आंटी, पर इतनी सारी थैलियों में से किस में है पता नहीं। यारो है ना? यारो तुम लोगों की हेल्प करेगा। बेसन। मैं एक काम करती हूँ, मैं पूरा पैकेट ही लेके जाती हूँ, नहीं तो बार बार मांगने आना पड़ेगा। चलो बाय बाय। पापा कितने खुश होंगे, यारों ने फिर से हेल्प की। मेरे दिमाग से तो अभी भी ये बात नहीं निकल रही है
कि उसने 6 थैलियों में से ये कैसे पता कर लिया कि बेसन किसमें है? हाँ, और बिना देखे बेसन निकाल भी दिया। और वो सुबह बिना चार्जर के मेरा फोन चार्ज कर दिया था। और मुझे एक हाथ से उठा दिया। और सुबह घर के सामने मेरे जिम का सामान ऐसे उठाया जैसे बैग में डंबल नहीं कंबल हो। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बहुत गड़बड़। हम तो कह रहे हैं अग्रवाल साहब, बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया यहाँ। चतुर्वेदी जी, पिछले 3 मिनट से अब यही बोल रहे हैं, बहुत गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ है, लेकिन बताएंगे कि गड़बड़ है तो क्या है? अरे एक ठो तो ये कि सुबह से आपके यहाँ नए किराएदार आए हैं और शाम हो गई, आपने हमें बताया नहीं, जबकि आपको पता है कि हम यहाँ के ठो हैं, यानी कि हम यहाँ के सेक्रेटरी हैं, हम कितने भी आदमी हैं और आपके बातों कोई काम है नहीं, फिर भी हम देखिए आपसे पूछने आए, आपने मुझे नहीं बताया। और दूसरी ठो तो ये है कि भाई एक फ्लैट में 2 लड़के और 1 लड़की कैसे रह सकते हैं? चतुर्वेदी साहब, वो तीनों बहुत पुराने, बहुत अच्छे, बहुत गहरे दोस्त हैं। अच्छा? हाँ। अरे हाँ, अरे हमने तो एक फिल्म में डायलॉग सुना था कि भाई एक लड़का और 1 लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ठो दूसरी है, यहाँ 2 ठो लड़का 1 ठो लड़की, भाई ट्रायंगल तो बना ही बना है। और हमारा कहने का मतलब यह है अग्रवाल साहब कि अब तो हम रायता फैला के ही रहेंगे, अब देखिएगा। चतुर्वेदी जी, भाभी जी, आप रायता फैलाएंगे? अरे नहीं, तो छोड़ छोड़ के छोड़ दिया ना गुस्सा? और छोड़ दिया भाई। अब भाभी जी, भाई आप कहें हम ना माने, ऐसा तो हो सकता है क्या? नहीं ना। और अग्रवाल साहब, आपने बिल्कुल सही नहीं किया 2 लड़के और 1 लड़की को रखकर। चतुर्वेदी, आप समझ नहीं रहे हैं, बेचारे रात को सोने तो आएंगे, दिन पे तो काम पे चले जाएंगे वो लोग। अच्छा, मतलब तुम हमें समझा रहे हो, हमें सेक्रेटरी को? अंकल नमस्कार, मैं आपके किराएदार से मिलके आता हूँ। पता नहीं, मिट्टी मैं बेचारा किस्मत के बोझ का रहा, कानपुर से, सुन लो ना तुम दोनों, 1400 किलोमीटर दूर से बॉम्बे यहाँ पे जॉब करने आया था, पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ मैं। अगर तुम दोनों नहीं होते ना तो मैं कूल एडवर्टाइजिंग में जॉब कर रहा होता, ये झाड़ू पोछा नहीं कर रहा होता मैं। क्यों प्रेम, बोल प्रेम। कॉपी पेस्ट, वहाँ चंडीगढ़ में तो मेरी मम्मी जी यही सोच रही होंगी कि मैं अच्छी जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे, वो तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं एक झाड़ू नौकर बन के बैठा हूँ। ओ बेरोजगारो, अपनी अपनी दुखभरी कहानी ना छोड़ो और उस यारो के बारे में सोचो, वो हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम उसे यहाँ नहीं आने देंगे। हाँ प्रेम भाई, ये सही कह रही है। भाई तला सोच, उसने मुझे सुबह जब एक हाथ से उठाया, भाई अगर मैं गिर जाता तो मेरी हड्डी टूट जाती यार, मैं हॉस्पिटल पहुंच जाता। क्यों प्रेम, बोल प्रेम। हाँ अमर, बोल रहा हूँ अमर, तुम लोग टेंशन मत लो, प्रेम है ना। अरे मेरे कहने का मतलब है कि प्रेम ने कसरत ही बॉडी ना सिर्फ घर के काम करने के लिए, इस बार अगर वो यहाँ पे आया ना तो मैं उसे कह दूंगा कि रुक जा, वहीं पे रुक जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे बिना पूछे हमारे घर में घुसने की? अपने आप को बहुत होशियार समझता है, तुझे क्या लगता है हम तुझसे डर जाएंगे? अरे जा जा, तेरे जैसे गधे ना बहुत दिखे हमें। प्रेम बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ ना कुंग फू में ब्लैक बेल्ट भी है, अब की बार अगर यहाँ आया ना तो ऐसी धुनाई करूंगा ये आना भूल जाए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.